We would like to request the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra. जिन्होंने इस देश की संस्कृति को आत्मसात करने के लिए अपने आप को खपा दिया है और जो आज के इस समारोह के केंद्रबिंदु है, हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, ऐसे इस देश के संस्कृति के अनन्य पुजारी ऐसे श्रीमान गुतियाल जी और यहां पधारे हुए सभी संस्कृति प्रेमी नागरिक भाई और बहनों, मैं श्रीमान गुतियाल जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को इतिहास के सही स्वरूप को समझाने के लिए कला के माध्यम को चुना है। मित्रों, एक कलाकार के पास कला हो, लेकिन जो विदेश में पला बढ़ा है, वो व्यक्ति जब तक उस गहराई में नहीं पहुंचता है, तब तक अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को उस कलाकार के मन मस्तिष्क में नहीं भर सकता है। उसके लिए बहुत बड़ी साधना लगती है और वह साधना जब होती है, तब एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में उन्होंने जो रिसर्च किया, जो अनुभव किया, वो एक कलाकार की पींछी के माध्यम से आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। देश की युवा पीढ़ी को इतिहास से सीख लेने के लिए यह प्रदर्शनी लंबे अरसे तक उपकारक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने प्रदर्शनी को बड़े गौर से देखा है। आमतौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में विथ रेफरेंस टू औरंगजेब छत्रपति यही बातें प्रचलित हैं, लेकिन एक विराट स्वरूप था, एक विराट व्यक्तित्व था और उस कालखंड में इस विराट व्यक्तित्व ने संस्कृति के लिए जीवन को किस प्रकार से खपा दिया था, उसके भिन्न भिन्न पहलुओं को इस प्रदर्शनी में लगाने का प्रयास किया गया है। मैं गुतियाल जी को अंतःकरण पूर्वक अभिनंदन करता हूं और उन्होंने ये जो परिश्रम किया है, ये जो साधना की है, ये साधना लंबे अरसे तक लोग सहर्ष उसका अभिवादन करते रहेंगे। मित्रों, मैं बहुत छोटा था तब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कारण हम लोगों के शिक्षा दीक्षा में इस देश के वीर पुरुषों का, इस देश की संस्कृति का स्वाभाविक संपर्क रहता था। मैंने जीवन में बहुत बचपन में गुजराती में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का ग्रंथ लिखा गया है, वामन मुकादम जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, मैंने उस आयु में उसको पढ़ा था, जिस आयु में मुझे उसको उठाने के लिए भी बड़ी मेहनत पड़ती थी, इतना वेट था उसका। मुझे आज भी स्मरण है कि और मेरे टीचर वगैरह भी मेरे से परेशान हो जाते थे, क्या तुम्हें लेके घूम रहे हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे। तो ये मुझे वामन मुकादम जी के उस पुस्तक को और उसमें सभी पहलू हैं। मुझे एक बात का अभी भी स्मरण है कि जो उस समय महाराष्ट्र का एक पूरा इलाका पहाड़ी इलाका, और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने
रोड नेटवर्क का जो काम खड़ा किया था, अभी भी आज 300 साल के बाद भी कोई सरकार की योजना में उस नक्शे कदम के बाहर एक भी रास्ते की कल्पना नहीं हुई। आप कल्पना कर सकते हैं 300 साल पहले जिस व्यक्ति ने पूरे इस इलाके में रोड नेटवर्किंग का काम किया था और रेड रोड के निर्माण का काम किया था, उस समय जो भी संसाधन उपलब्ध थे उसके माध्यम से किया था। और उसके समय दो चीजों का ध्यान दिया गया था कि भारत को जोड़ने में इन रास्तों की इतनी ताकत है और उन रास्तों के निर्माण के माध्यम से समाज के गरीब तबके को साथ लेकर के जब युद्ध का समय नहीं है तो रास्तों के काम में लगा रहता है और जब युद्ध का समय है तो वही रास्ते बनाने वाला अपना साथीदार युद्ध के मैदान में काम आ जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने ग्रामीण जीवन से नौजवानों को जोड़ करके निर्माण का भी काम किया और सुरक्षा का भी काम किया। उसी प्रकार से इन पहाड़ी इलाकों में पीने का पानी, कृषि के लिए पानी और उस समय के जीवन में एग्रीकल्चर का बिना कोई चारा नहीं था, लेकिन अगर इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो एग्रीकल्चर बेकार जाने वाला है। और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो इरिगेशन का नेटवर्किंग किया, आज भी अभी भी कुछ साल पहले औरंगाबाद के उस इलाके में कोई खुदाई हुई थी तो एक कनेल हाथ लगी थी, शायद मैंने कहीं पढ़ा था इसको, मैंने उसका डिटेल तो गया नहीं, और पता ही ये चला उस समय छत्रपति शिवाजी के समय उसका निर्माण हुआ था। यानी आप कल्पना कर सकते थे कि उनकी जो पहचान है, जैसे लगातार वो घोड़े पर ही थे और तलवारें खींच करके घूम रहे थे और कोई उनके जीवन में था ही नहीं कभी, और कभी उनके पूर्णत्व को स्वीकार करेंगे, पूर्णत्व को समझ करने का प्रयास करेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि उन्होंने समाज की मूलभूत आवश्यकताएं थी उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना चाहिए था, आज से 300 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बल देकर के काम करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज आज के शासकों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण है, ऐसा मेरा विश्वास है। दुर्भाग्य से हमारे देश में इस देश के संस्कृति के विरोधियों ने इस देश की महान परंपरा को न स्वीकार करने वाले लोगों ने हमारे वीर पुरुषों को एक प्रकार से इतिहास में नकार दिया है। मैं इतिहास विशेषज्ञों से प्रार्थना करता हूं कि दुनिया के जितने वीर पुरुषों की चर्चा आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, चाहे अलेक्जेंडर की पढ़ते होंगे या नेपोलियन की पढ़ते होंगे, कितने ही लोगों की पढ़ते होंगे, कोई जरा हिसाब लगा दे कि इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की श्रद्धा के केंद्र के रूप में इतने कम साधनों के माध्यम से और इतने विशाल भूभाग के अंदर इतनी लड़ाइयां जीते हुए वीर पुरुष शायद इतिहास में छत्रपति शिवाजी के बराबर के नहीं मिलेंगे, लेकिन इतिहास में उसको वो स्थान नहीं।